नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। 2019 लोकसभा चुनाव में एक बीजेपी एक बड़ी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही। 23 मई है जिसका सभी को इंतजार था। हमारे साथ इस वक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह हैं। सर, कैसा लग रहा है कार्यालय में जो माहौल है? सुबह से ही फटाके फूट रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? पूरे कार्यालय क्या, पूरे देश में एक अद्भुत माहौल का निर्माण हुआ है। पूरे देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम जश्न में डूबे हैं और होना भी चाहिए। 350 सीट एनडीए का आना, बीजेपी के 300 सीट आना, ये निश्चित रूप से राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष अमित शाह, माननीय प्रधानमंत्री जी, इनकी नीति योजना और इसका क्रियान्वयन की वजह से। जिस तरीके से 2014 में लहर हुई थी, इस बार कहा जा रहा है कि ये लहर नहीं सुनामी है। तो सर, ये आप माहौल देख रहे हैं जिस तरीके से विपक्षी जो दल हैं लगातार हमला बोल रहे थे, ये सब आपको कैसा लग रहा था? गलत तरीके से प्रधानमंत्री जी के ऊपर जिस प्रकार आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, कीचड़ उछाला गया, प्रधानमंत्री जी के ऊपर खिलाफ गलत नारे लगाए गए, गलत प्रकार के आरोप लगाया गया, देश की जनता ने उसको रिजेक्ट किया। देश की जनता इस भाषा को पसंद नहीं करती। चुनाव प्रचार सौम्यता से होनी चाहिए, मगर उन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी थी। पिछले समय जो है भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि ये जो नाटक नौटंकी चल रही साध्वी प्रज्ञा के दौरान जो हुई, जो उन्होंने व्रत रखा था, इस पर आप क्या? भूपेश बघेल जी कभी प्रज्ञा भारती कभी प्रधानमंत्री की बात करते रहे, अपना घर तो संभाल नहीं पाए। दुर्ग लोकसभा में सबसे बड़ी हार, पाटन में सबसे बड़ी हार, चार चार मंत्री थे, उनकी नीतियों का योजनाओं को 5 साल के छत्तीसगढ़ की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। आप देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अभी। देश की जनता को धन्यवाद, इतनी बड़ी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी को दी है, अब ये अवसर रहेगा 5 साल जनता की सेवा का। धन्यवाद रमन सिंह जी। हमारे साथ थे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, जो कि अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा के। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्यालय में जो माहौल है, इतना जश्न भरा है। कैमरामैन राकेश यादव के साथ ममता मानकर की रिपोर्ट। नारायण नारायण।